राम राम दोस्तों। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार 17 जनवरी 2021 को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकास परियोजना का उद्घाटन कर दिया है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक इब रेल का संपर्क सीधा जोड़ दिया गया है। दोस्तों, इस विकास परियोजना में 8 रेला की भी शुरुआत करी गई है जो सीधी केवड़िया स्टेशन तक जाएंगी, जो वाराणसी जंक्शन केवड़िया एक्सप्रेस, रीवा केवड़िया एक्सप्रेस, दादर केवड़िया एक्सप्रेस, चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस, अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस, प्रतापनगर केवड़िया मेमू, हजरत निजामुद्दीन केवड़िया एक्सप्रेस और केवड़िया प्रतापनगर मेमू। दोस्तों, तीन नए ट्रैका का भी उद्घाटन कराया गया है, जो चांदौद केवड़िया नई ब्रॉडगेज लाइन का उद्घाटन कराया गया है जो 32 किलोमीटर की है, डबोई चांदौद रेल लाइन जो ब्रॉडगेज में परिवर्तन करी गई है, पहला नैरो गेज में थी, इसकी लंबाई 18 किलोमीटर है, और दोस्तों तीसरी लाइन प्रतापनगर केवड़िया जो ईब बिजली की कर दी गई है, इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। दोस्तों, ईब प्रतापनगर केवड़िया जो ट्रैक था वो भी बिजली का कर दिया गया है, ईब तेज गति से रेल आ जा सकेंगी। और दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 811 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जिसमें 3 बड़े स्टेशन हैं, 4 छोटे स्टेशन हैं और 89 छोटे पुल हैं, 8 बड़े पुल हैं। दोस्तों, इस विकास परियोजना के उद्घाटन से पूरे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास ने बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों, एक नया रिकॉर्ड भी भारतीय रेलवे ने बनाया है। दोस्तों, जो केवड़िया स्टेशन है वो भारत का पहला ग्रीन बिल्डिंग स्टेशन प्रमाणित हुआ है, बना है। तो दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो पुतला है उसका एक 12 फीट लंबी जो प्रतिमा है वह भी केवड़िया स्टेशन पर लगाई गई है। दोस्तों, यो स्टैचू ऑफ यूनिटी तक रेल कनेक्टिविटी होने तय इब और भी मतलब नए विकास होंगे। और दोस्तों, इस स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधा भी मिलेंगी। दोस्तों, आने वाले समय में जो केवड़िया स्टेशन है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो यो एक टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा। तो इसमें इसलिए रेल संपर्क बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और दोस्तों, यहाँ के जो लोग हैं उनने भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो उनकी भी आय में वृद्धि होगी। और दोस्तों, एक केवड़िया स्टेशन ने एक नई पहचान भी मिलेगी। तो यह थी दोस्तों भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ खास जानकारी। यह जानकारी आपने किसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे भी इसी और जानकारियाँ खातर तारे अपने चैनल देसी टाइटल ने सब्सक्राइब भी जरूर करियो, और आप हमारे फेसबुक पेज ने लाइक भी जरूर करियो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ई मिलेंगे अगली जानकारी में, तब तक जय हिंद, जय भारत।